आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। आज से 4-5 दिन पहले पूछा, लेकिन अब मौका नहीं मिला। 2 दिन से मैं बाहर भीतर था, मतलब आउटिंग पे था, ठीक है, काम से। तो आज बोलने का मौका मिल रहा है मेरे को, वो फिर से पूछती है। हालांकि इस पर वीडियो बन चुकी है। अब मैं उसको मैंने बताया, मैं बेटा मेरी वीडियो से आप सुन लीजिए, कर लीजिए। बोला थोड़ा सा समझ में नहीं आया उसने जो भी पूछता। उसने सीधा ही कहा, जी आप बार बार कहते हैं छुपा रुस्तम और चुप्पा, आपने समझा भी दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में होता है। वो बाद में मालूम पड़ा उसके पिताजी भी उसी स्वभाव के थे। उसका एक भाई उसके पिता से भी 4 गुना बढ़कर था। मतलब ऐसे वो लोग हैं जो उसने तो उस चीज को एक्चुअल में तरीके से पुष्टि चाहिए, मेरे को नहीं, मैं तो बाद में बताया, ठीक है ना। तो भावना मेरी यहाँ पर यह है कि फिर से कहना चाहता हूँ, छुपा रुस्तम व्यक्ति जो होगा उसको आप चुप्पा बोल लीजिए, छुपा रुस्तम बोल लीजिए, एक ही बात है। हिंदी में शुद्ध हिंदी छुपा रुस्तम है। वो लोग बहुत गहरे स्वभाव के होते हैं। गहरा स्वभाव पॉजिटिव सेंस में भी अच्छा रहता है, लेकिन नेगेटिव सेंस में ये लोग शब्दों से इतने ज़्यादा मतलब वो होते हैं कि आप इसको भी कंजूस ही बोलिए, जो कभी किसी की तारीफ करके, उत्साहवर्धन करके, उनको क्या कहते हैं प्रोत्साहन देना, इनके तासीर में नहीं है, इनकी डिक्शनरी में, दिमाग की डिक्शनरी में नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं समझते लोग इनकी तारीफ करें, लोग इनको कहीं भी ले जाएं, करें, मिलवाएं, ये कभी किसी को शो नहीं करते। और तो और अपने परिवार में अपने बच्चों तक को भी ये नहीं बताते कि देखो ये अंकल या आंटी, ये परिवार, ये रिश्तेदार, ये मित्र मेरे लिए कितना करते हैं। आज तक नहीं बताते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा हुआ तो एक आध बार बस बताएंगे, छोटा सा वो भी थोड़े में। मेरे पिताजी तो घर में एक एक चीज़ खुल के बताते थे, ये व्यक्ति कैसा है, ये कैसा रहेगा, इसने मेरे लिए इतना करा, इस परिवार ने इतना करा, वो तो सब। इनकी तासीर ही नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। आप इनके साथ जाएं कहीं पर भी, यही एक ही बात है, ये आपके साथ है, एक ही बात है, ठीक है ना। ये आपको इंट्रोडक्शन जल्दी से नहीं देंगे, और देंगे तो बस एक छोटा सा देंगे, और कोई क्वालिटीज विशेष नहीं होता अगर आपके अंदर एक्स्ट्रा कोई क्वालिटीज है तो, क्योंकि इनकी तासीर में नहीं है। बहुत घुटे हुए लोग होते हैं, मैं बता रहा हूँ ना। इनसे किसी प्रकार की भी अगर आप आशा रखें कि ये हमारे कभी सपने में भी काम आ जाए, तो समझो 3 बार बोलोगे तो 1 बार ये बोलेंगे, नहीं तो अनजान बने रहेंगे। आप इनको कोई काम के लिए मैसेज दे दो, संदेश कर दो, तो कहेंगे जी हम देखते ही नहीं जी व्हाट्सएप, हमने ध्यान भी नहीं दिया जी, हमें मालूम भी नहीं, हमारे से आपका ऑडियो नहीं खुला। चाहे रोज खुलते हो सारी वीडियोस, लेकिन ऑडियो नहीं खुला जो आपने ऑडियो मैसेज दिया, ठीक है ना। आपने लिख के भेजा, उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन जवाब नहीं देंगे। आप इनके लिए कितना कुछ कर दीजिए, ये कभी भी आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे, वो भी प्रॉपर खुलकर। ये भी नोट कर लीजिए आप। तो आपको पहचान बता रहा हूँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। हाथ के तो चलो कंजूस होते ही इनके, फिर वो खानदान में लगातार चलते जाते हैं। अगर मान लो 2 बच्चे तो 1 माँ कंजूस होगा, अगर ये कंजूस तो माँ का, उसकी बात नहीं है, वो तो चलो जो है सो है। लेकिन मैं आपको विचारों की बात बता रहा हूँ। इसका अर्थ ये नहीं था विचारों से कि ये लोग क्या कहते हैं जी देखिए जी बिल्कुल सूफी सा खाना खाते हैं, एकदम साधारण साधु जैसा खाना खाते हैं, बात वो नहीं, विचारों की बात होती है। इन्हीं विचारों में ये लोग कहते हैं नैरो माइंड भी होते हैं, संकुचित विचारधारा के भी होते हैं, तो कई तो क्या कहते हैं बड़ी संकीर्ण मानसिकता वाले होते हैं। हाँ, इनसे किसी की नुक्ताचीनी करवा लीजिए, किसी का क्रिटिसाइज करिए, धाप के कर जाएंगे। अपनी बात को अच्छे ढंग से रख भी देंगे, चाहे छोटे में रखो ज़्यादा रखो, लेकिन तारीफ, प्रोत्साहन, उत्साहवर्धन, एनकरेजमेंट, नो नो नेवर, कभी नहीं, तासीर में नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये छुपे रुस्तम लोग होते हैं, ये ना पहले से एक प्लानिंग रखते रहते हैं, घुमा फिरा के बातें आपसे कई बार ताल ठोके पूछते रहेंगे, किस फिर घुमा फिरा कुछ दिनों बाद, फिर तो आपको पहले के साथ आपको ही वो तो हो नहीं कि आपको याद रखो, क्योंकि आप तो नॉर्मल बात करते हो, नॉर्मल चलो सबके लिए कर रहे हो, आप दयालु हृदय के हो, कोमल हृदय के हो, मन में कोई छल परपंच नहीं। लेकिन ये लोग हर बार आपको फिल्टर कर करके देखते थे, कभी कौन सी बात कहाँ से निकले, बात वही होगी घुमा फिरा के, या इनको जो बात समझनी वो समझेंगे, फिर दिमाग में रखें कौन सा व्यक्ति इनका कौन है, कब कहाँ काम आएगा, तब भी आप समझ जाना। मैं आपको एक पॉइंट आज खुल के बता रहा हूँ। तो जो व्यक्ति आपके परिचय को ध्यान में रखता हो कि ये व्यक्ति तब कहाँ क्या काम आएगा, इसलिए इसके परिचय को ध्यान में रखना है, तो वो भी बहुत छुपे रुस्तम होते हैं। आप इस बात पर गौर करके चलिए। ये लोग कई बार ना झूठी बात भी करेंगे। इनमें से कुछ ऐसे थे जी मैंने मेरे परिवार में सबको बताया, जी कुछ नहीं बताया, जिसके बोलने की आदत नहीं है किसी को, कुछ भी नहीं तो नहीं। तारीफ
उत्साहवर्धन प्रोत्साहन या कोई सच्ची बात को भी अच्छे ढंग से प्रेजेंटेशन करना भी वो सबके सामने स्थित है। वो ऊपर जी बोलेंगे जी आपके पास कोई बैठा, अरे भाई जो बैठा था तब भी करते, अच्छी बात उसको भी मालूम पड़ती, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लोग कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे हमारे कहाँ कहाँ रिलेशन है, क्या है, या आपकी कोई भी अगर आपकी जरूरत भी हो तो चुप लगा जाएंगे। ये इंतजार करते हुए 3 बार बोलेगा तो बात करेंगे, 2 बार बोलेगा, 2 से 3 बार तब इसकी बात करनी, तो कभी भी शो नहीं कर चाहिए। इनको मालूम आप तड़प रहे हो किसी काम के लिए, कोई इच्छा पूर्ति के लिए, भाई किसी भाई ये काम मेरा हो जाए, इस तरह से नहीं बोलेंगे, सांस भी निकालेंगे। और अगर बोलेंगे भी कोई, चलो इनके मन में कोई बात आ भी गई तो ये नहीं कहेंगे चलाओ मैं आपका काम करता हूँ, अगर आप कहो तो मैं अगर करके देखूँ बात, तो ये इनकी आपको ना थोड़ी परखने का थोड़ा अभ्यास रखना पड़ेगा, ठीक है। ये लोग कभी भी आपसे सारी चीज ले लेंगे, समझ लेंगे, जो भी कुछ है, अपने दिल की बात, अपने पेट की बात कभी नहीं बताएंगे, ठीक है ना। ये हमेशा अनजान मासूम से बने रहेंगे। या इनमें एक और भी चीज होती है, मुझे नहीं मालूम आपने कब क्या कहा था, मुझे तो याद भी नहीं आपने कहा था कि नहीं कहा था, चाहे आप उनको 3 बार वो चीज बताई, यूं क्यों दोहराई, फिर आपको खिजलाट आएगी, तब कहेंगे जी इसमें खिजलाने वाली क्या बात है, बताओ, नहीं याद है तो नहीं है, सब याद होता है इनको, सब याद होता है, मेमोरी शार्प होती है इनकी, ठीक है ना। लेकिन चाशनी लेनी इनको आपकी हर तरह से, ये अपना परिचय को अलग रखकर अपने परिचय को तो रखते हैं बड़े सेफ में, मतलब बड़े ही सुरक्षित ढंग से, ताकि जो आखिरी दांव, पहले औरों के परिचय को ये टटोलते रहते, उनसे काम कराने की चेष्टा करते हैं कोई भी काम, ठीक है ना। ये लोगों की तासीर होती है। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो बायस होके चलते हैं, मतलब पूरी तरह के ना, एक बायस शब्द जब यूज होता है तो पक्षपात तो है ही है, लेकिन एक तरफा पक्षपात में बिल्कुल एक तरफा माइंड सेट है, मतलब वो माइंड सेट ऐसा है, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव जो भी कुछ हो। अगर इनको क्या कहते हैं किसी भी भाई, उदाहरण के लिए कि यहां पर एक बात आती है कि जिस चीज के लिए भी बुराई करते मिलेंगे, क्रिटिसाइज करते मिलेंगे, मतलब नेगेटिविटी रखते, अपने नकारात्मक मतलब जो भी विचार रखते हैं, वो एक इस टाइप के होते जो आपको पसते नहीं, आपको अच्छे नहीं लगते, ठीक है ना। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, या कोई भी हो, व्यक्ति संबंधित हो कोई भी हो, या किसी भी कोई एक प्रोफेशन से संबंधित हो, ठीक है। तो अब उसके बारे में इनकी राय हमेशा आगे पीछे मतलब नेगेटिव टाइप की रहेगी लगभग, लेकिन ये अपने उससे नहीं हटते। लेकिन इनके घर में कोई अगर ऐसा हो तो फिर चुप लगा जाएंगे, फिर उसके लिए कोई दूसरा बहाना, क्योंकि इनकी तर्क शक्ति बहुत जबरदस्त होती है, इस बात पर भी गौर करिए। इनके अंदर सहन शक्ति बहुत जबरदस्त होती है, इस चीज पर भी गौर करके चलिए। वहमी बहुत ज्यादा होते हैं ये, कुछ लोग शो करते हैं, कुछ शो नहीं करते, लेकिन वहमी होते हैं। मैं आपको एक पहचान बता रहा हूं प्यारे बच्चों, आपको जब समझ में आ जाएगा अच्छे ढंग से ये कौन किस, आप जब इनको कभी किसी ढंग से आप बोलेंगे तो तत्परता, इनमें से कुछ ऐसे जो तत्पर नहीं आएंगे आपके पास, टाइम लगा के आएंगे, आपको चाहिए अभी आ जाओ जी, आप एक ही शहर में रहते, एक ही गांव में रहते, आप 10 मिनट के अंदर मेरे पास आ जाइए कृपया करके, या आप जितनी भी दूरी पर रहते हैं, मान लो काउंट कर लिया, अभी यहाँ आते आते इनको मान लो बड़े शहर में रह रहे हैं दिल्ली जैसे में, भाई आते आते इनको 40 मिनट तो कम से कम लगे, ठीक है जी आप घंटे भर के अंदर आ जाओ, तो जानबूझ के 2 घंटे लगाएंगे। कहने का अर्थ यहां पर यह होता है कि आपकी भावनाओं के या आपके अनुरूप नहीं चलेंगे, आपके साथ वैसे चलना इनको पसंद है, सारी चीज बैठना पसंद है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी छोटी से बड़ी भी या आपकी कोई इच्छा के हिसाब से, तो बस ये शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, उधर की बात करेंगे, फिर गोलमोल जवाब दे देंगे। तो ऐसे संसार भरा हुआ बच्चों, किस किस से आप क्या कहते हैं क्या क्या सोचोगे, इसलिए सोचना बंद करो। आपका मन करता है जिससे उसके साथ जुड़ो, नहीं करता मत जुड़ो, लेकिन आप बहुत सजगता के साथ रहें। आशा किसी से रखे मत, अपेक्षा किसी से रखे मत, बल्कि मैं तो ये कहूँगा लोग अगर आपसे जुड़ते हैं जुड़ने दीजिए, बस उसमें देख लीजिए देश धर्म समाज विरोधी ना हो, ठीक है ना। लोग आपसे जुड़ते हैं जुड़ने दीजिए, आप किसी से ना जुड़े, ये बहुत गहरी बात है, आप किसी से ना जुड़े तो आपको दिल में कभी भी चोट नहीं लगेगी। आपके साथ कोई छूटता छूटने दो, कोई रूठता रूठने दो, आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इनसे किसी प्रकार की भी अगर आप आशा रखोगे, अपेक्षा रखोगे, कहीं किंचित मात्र भी, लिटिल बिट भी, तो आपको दुख होगा, तो हम दुख वाला काम ही क्यों करें, आप इस बात पे गौर करिए ना।
मेरे को आज भी, मैं आपको मैं फिर कहने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, मेरे प्यारे बच्चों, मैं किसी से नहीं जुड़ा हुआ, जो जुड़े लोग जुड़े हैं मेरे से, मैं नहीं जुड़ा हुआ। हाँ, मैं प्रेम सबसे रखता हूँ, सारी बात ठीक है, अगर कोई छूट भी जाए तो कोई आफत नहीं हो रही है, ठीक है ना। बहुत पहले होती थी, अभी मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला, अब मेरे मन में कुछ भी ऐसा नहीं है। 2020 तक मेरे साथ ऐसा था, कुछ ऐसे हादसे में बहुत रोया, बहुत सब कुछ हुआ, मुझे समझ में नहीं, दुनिया की समझ रखते हुए भी मैं खुद ही बावला बन गया, लेकिन अब ऐसा नहीं। मंगल कामना, नमस्कार, चाहे रिश्तेदारों, परिचितों, यार दोस्तों, कोई भी हो, ठीक है, ध्यान रखिए।